वेलकम बैक टू क्राफ्ट क्लास। आज हम आपको क्राफ्ट क्लास में बेबी जीजस बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए मटेरियल लगेगा न्यूज़पेपर, वाइट सीमेंट, वाटर कलर, फेविकॉल, जो डेली यूज़ करते हैं वही फेविकॉल है, सीजर एंड वायर। ये केबल वायर है जो आप केबल की यूज़ करते हैं, अगर नहीं है तो फ्लावर बनाने वाले वायर को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं और इसके हैंड बना लेते हैं, हाथ बनाते हैं अच्छे से फोल्ड करके देख पा रहे हैं, और सेम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं और इस तरह से इधर इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं इसके पैर के शेप के लिए, इस तरह से देख पा रहे होंगे, ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद पेपर का रोल बना लेते हैं, ऐसे करके ढेर सारा पेपर आप लीजिए और उसको एक रोल बना दीजिए, सर्कल कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, ये सर्कल है इसके अंदर इसको फिक्स कर लीजिए, इस तरह से इसको फंसा लीजिए। फंसाने के बाद आप पतली पतली स्टिक काटिए न्यूज़पेपर का ऐसे, और इसके बाद इसको अच्छे से इस तरह से रोल करते जाइए और इस तरह से आप इस पूरे स्ट्रक्चर पे न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर से कवर करते जाइए, इस तरह से पूरे में आप ऐसे फेविकॉल लगा करके अच्छे से मोटा कवर कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं इस तरह से मैंने पूरा कवर कर दिया है, और आप भी इस तरह से पूरा कवर करके पूरे में आप इस तरह से कवर करते जाइए। आप फेविकॉल लगाइए अच्छे से, ताकि अच्छे से फेविकॉल लगेगा तो अच्छे से फिक्स होगा। इस तरह से आप इसको एक डॉल की तरह बना दीजिए। पैरों में भी इस तरह से लगाइए, सेम जैसे आप इसमें लगाया सेम इसी तरह से पैरों को भी पूरा कवर करना है। ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको भी ऐसे ही कवर करना है। अब बड़ों की सहायता ले लीजिए, कोई बड़ा है आपके घर में तो बड़ों की सहायता लेकर के आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। इस तरह से सारे पे न्यूज़पेपर अच्छे से लगा दिया है मैंने, इस तरह से आप भी लगाइए, देखिए इस तरह से अच्छे से सब में न्यूज़पेपर लगा दिया फेविकॉल लगा करके। उसके बाद वाइट सीमेंट में पानी मिलाइए थोड़ा, और थोड़ा सा इसको घोल लीजिए, एकदम पानी की तरह नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसको लिक्विड रहने देंगे, पेस्ट जैसे पेस्ट रहता है इस तरह से पेस्ट बनाएंगे, देख पा रहे हैं इस तरह से पेस्ट बना देंगे। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा, और इसको पूरा इस पे लगाते जाएंगे, इस तरह से आप पूरा इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। इस तरह से लगा करके कवर करिए, इस तरह से देख पा रहे हैं कि आप वाइट सीमेंट जैसे जैसे लगाते जाएंगे पूरा स्ट्रक्चर इसका बनता जाएगा। आप इस तरह से लगाइए और 2-3 घंटे के लिए इसको सूखने के लिए रख दीजिए। देख पा रहे हैं ऐसे पूरा कवर कर लीजिए इस तरह से, और 3 घंटे के लिए इसको सूखने के लिए रख दीजिए। इस तरह से सारे में लगा लीजिए, और थोड़ा सूखने के बाद और इस तरह से आप थोड़ा सा लिक्विड पतली कर लीजिए, और इसको एक बार फिर से जहाँ छूट गया हो हल्का हल्का उसको लगाते जाइए, ताकि ये अच्छे से
पूरा हो सके। ये होने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाए स्ट्रक्चर आपका लगा हुआ वाइट सीमेंट, तो इसमें आप बालू पेपर से हल्का हल्का इसको घिस लीजिए तो ये प्लेन हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, इसको 2 से 3 घंटे को सूखने के लिए रख दें। इस तरह से सारी डिटेल बना लेंगे और आँखों के लिए थोड़ा सा डीप कर देंगे। और देख रहे हैं कि मैंने सारा इसको स्ट्रक्चर सारा बना लिया हाथों का, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें ये सब बना दिया है अच्छे से। और जहाँ पे लगे कि कम लगा है तो आप उसको लगा दीजिए। अब इसमें वाटर कलर करेंगे। अब इसमें कलर करेंगे तो इसमें वाटर कलर का यूज़ करेंगे ये कलर। पहले इसमें आँखों में ब्राउन कलर करेंगे, ठीक है, इस तरह से पहले ब्राउन कलर कर लेंगे। क्योंकि सीमेंट वाइट है तो वाइट का यूज़ नहीं करेंगे, वाइट इस तरह से छोटी सी आग बनाएंगे। बहुत ज्यादा डार्क नहीं, हल्की हल्की आंखें लगाएंगे इसके इस तरह से। आप पतले ब्रश का यूज करेगा इसमें, बहुत ज्यादा डार्क ब्रश का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी आइस। और भी ऐसे डिटेल बनाएंगे। इसके लिप्स के लिए रेड कलर का यूज़ करेंगे। से आप अपना बेबी जीजस खुद का बनाइए और क्लिप बनाइए और इसमें अपना बेबी जीजस खुद का सजाइए। ब्राउन कलर का यूज़ किया है, उसके बाद हल्की सी उसमें ब्लैक कलर की बीच में पुतली लगा दी है, जैसे ब्लैक होता है ना आंखों के बीच में, सेम ऐसे ही ब्लैक कलर की इसमें लगा दी है। आप खुद का बेबी जीजस बनाइए और क्रीप बनाइए घर में, क्रिसमस का टाइम है और खुद का क्रीप में खुद का बेबी जीजस सजाइए। और कलर करना चाहते हैं पूरे बॉडी पे तो आप वाइट और ब्राउन मिक्स करके कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही सुंदर लग रहा है। सभी लोग इसको बनाइए। थैंक यू।